गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। तो आज हम रिवाइज करेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर फोर है कल्पना चावला वाला, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट ये रिवीजन है, हमारे एग्जाम्स में भी आएगा, तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सो इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वॉज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रू अबाउट बोर्ड अ स्पेस शटल कोलम्बिया, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन इन वुमेन इंडिया टू गो इन टू द स्पेस। वो क्या बन गई थी? पहली ऐसी वुमेन बन गई थी जो कहाँ गई थी? स्पेस में गई थी। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलम्बिया एंडेड इन ट्रेजेडी। बट सैडली क्या हुआ कि जो मिशन था वो कैसे खत्म हुआ? बहुत ही ज्यादा उसका जो एंड था वो दर्दनाक था। ठीक है, चलिए। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। कल्पना चावला जब छोटी थी तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो कभी भी स्पेस में भी जा पाएंगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम ट्रेगोर स्कूल। और ट्रेगोर स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें अलाउ कर दिया था कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज का पार्ट बन सकते हैं। After a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering, जब उन्होंने बैचलर डिग्री ली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, तो उनके फादर बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट थे इनके, शी वेंट अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड ऑफ अमेरिका, और वो यूएसए गई अपनी डिग्री के लिए। शी लेटर अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसके बाद उन्होंने अपनी पीएचडी करी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट कैप कैनेवेरल फॉर फ्लोरिडा। वो कहां से गई थी? कैप कैनेवेरल फ्लोरिडा से। तो ये जगह का नाम आपको याद रखना है। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। और उसने सक्सेसफुल जो मिशन हुआ था उसमें पार्ट लिया था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर। उसकी फैमिली ने उनको चीयर किया कहां तक, और जो स्टाफ था वो भी उन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलम्बिया लिफ्ट ऑफ। कोलम्बिया क्या था? स्पेस शटल का नाम। ये नाम याद रखिएगा। कल्पना वॉज बॉर्न इन कलान हरियाणा। उनका बर्थ कहाँ होता? करनाल हरियाणा में। ये सारी चीजें ही है जो आपके एग्जाम में आएगी। बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। वो क्या थी? एक नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरी हैरिसन। क्योंकि उनकी शादी हुई थी एक फ्लाइट, मतलब एरोप्लेन चलाने के लिए सिखाने वाले जीन पियरी हैरिसन। बिसाइड बींग एन एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन, सिंगल इंजन सी प्लेन एंड ग्लाइडर्स। ये भी सारी चीजें वो अच्छे से चला पाती थी। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, और जब वो एज अ पायलट क्वालिफाई हो गई, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज अप्लाइंग टू नासाज स्पेशल शटल प्रोग्राम। और उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया नासा के जो शटल प्रोग्राम था। शी वॉज हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एज नासा, और उन्हें ऐसे हायर कर लिया गया रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर। In 1994, she was selected NASA for training as an astronaut. और 1994 में उन्हें select कर लिया गया astronaut के रूप में। Then asked, "What is what it was like being a woman in her field?" She replied, "ऐसा कहा जाता है ना कि आया तो उन्होंने कहा, I really never ever thought. मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था. She replied, उन्होंने कहा, while pursuing my studies or doing something else, कि जब मैं पढ़ रही थी या कुछ और कर रही थी, that I was a woman. मेरे दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं एक औरत हूँ, और a person from a small city or a different city, या फिर एक छोटी जगह से आई हुई लड़की हूँ या दूसरी कंट्री से आई हुई हूँ। I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. मेरे भी दूसरों के लोगों जैसे ही सपने थे और मैंने उनको क्या किया है? फॉलो किया है। And people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that was you want to do, carry on. और जितने भी लोग मेरे आसपास थे उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, एनकरेज किया और यही कहा कि तुम जो करना चाहती हो करो। कल्पनाज फर्स्ट स्पेस शटल मिशन इन द स्पेस शटल वॉज कोलम्बिया वॉज 15 डेज। 15 दिन का था कोलम्बिया, 16 घंटे एंड 34 मिनट्स लॉन्ग।
ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स. ये ड्यूरेशन दिया हुआ है. द क्रू इंक्लूडेड अ जैपनीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट. और जो उसके लोग थे वो साथ में कौन थे, एक जैपनीज और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट थे. द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस. और उनका ये काम था कि फूड को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं स्पेस में. एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और टेस्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग मेटल्स बनाने के लिए. एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और फास्टर चिप्स बनाने के लिए कंप्यूटर. ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट 56 मिलियन डॉलर्स. और उसमें सब कितना पैसा लगा था, 56 मिलियन डॉलर. ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक देयर वाज अ शॉक एंड डिसबिलीफ. और जब लोगों को ये पता चला कि कोलंबिया का विस्फोट हो गया है तो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए. एंड द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड ऑफ हाउस होल्ड स्टेड ग्लू टू देयर टेलीविजन सेट इन द होप कल्पना वॉज द थ्रू द एंड क्रू हैड समवन सर्वाइव. और जो लोग थे करनाल के और सब जगह इकट्ठे होकर टेलीविजन के आगे चिपक गए थे कि शायद कोई ऐसी न्यूज आए कि जो कल्पना है और उसके जो बाकी साथी हैं वो जिंदा है. एक जर्नलिस्ट ने लिखा शी वॉज अ हीरोइन, वो एक हीरोइन थी. इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकेम एन एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ज्यादा एबिलिटीज चाहिए, खूबियां चाहिए. यू नीड टू नो अ लॉट ऑफ अबाउट एवरीथिंग. आपको हर चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट. आपको एस्ट्रोनॉट बनने के लिए हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए रिलेटेड टू द साइंस. हर इंस्पिरेशन इज ऑल इंस्पायरिंग. उनका इंस्पिरेशन, उनकी जो वो प्रेरणास्पद है. फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच्ड द स्काई हैड बिकेम एन इंस्पिरेशन. और उन लोगों के लिए कल्पना चावला का, जो लोग उनको इंस्पिरेशन मानते हैं जिसने बुलंदियां छू ली, उनके लिए वो एक प्रेरणास्पद है. इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया, उन्होंने एक मैसेज भेजा था कोलंबिया से टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़. जो उसके कॉलेज में चंडीगढ़ में स्टूडेंट थे उन्हें कल्पना सेट द पाथ फॉर ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट. जो सक्सेस के लिए जो रास्ता है वो एग्जिस्ट करता है, होता है. मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट द करेज टू गेट ऑन टू इट. आपको मैं ये चाहती हूँ कि आपको उसको देखने का नजरिया मिले, आप उस पर चल सके. विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी. देयर विल श्योरली बी मेनी स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम. और बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए कल्पना चावला को अपना आइडियल मानेंगे. ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा. थैंक यू.